काम ही किए हैं कि इनका हर जगह नाम है। बिना माला का भगवान का पूजा नहीं हुआ तो पटना का कैसे तरक्की होगा, इसी चलते माला सिन्हा आई। तो माला सिन्हा 50% से ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे। हाँ। जी हाँ। माला सिन्हा निकल रही है, सब बोलेगा निकल रही है, निकल रही है। हाँ। हम लोग वोट करेंगे एकदम पक्का, सब मिल कर एकदम। उन्होंने इतना काम किया कि ऐसा पूरा 75 वार्ड में अपने वार्ड को आदर्श वार्ड बनाए। अपने वार्ड में इस कदर काम किए हैं कि 75 वार्ड में से वार्ड 44 आदर्श वार्ड के नाम से जाना जाता है। माहौल बिल्कुल माहौल है, निकल रहा पक्का निकल रहे हैं। अब वहाँ लोग बैठ के चाय पीता है, हाँ, नाश्ता करता है। हाँ, हाँ, आप देख लिए विकास हुआ, दम बहुत ज्यादा विकास हुआ है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शुरांग पांडे है। पटना में नगर निगम का चुनाव हो रहा है और ऐसे में बहुत सारे लोग वार्ड पार्षद का तो कोई महापौर का चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में माला सिन्हा भी इस रेस में है और हम लोगों से जानेंगे कि क्या वाकई में माला सिन्हा जीत रही हैं या ऐसे ही माहौल बना रही हैं। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम सूरज कुमार हुआ। माला सिन्हा को जानते हैं? जी जानते हैं। क्या माहौल है उनका? माहौल बिल्कुल माहौल है, निकल रहा पक्का निकल रहे हैं एकदम। हाँ। पक्का एकदम कार्यकर्ता जैसा बोल रहे हैं, मतलब नहीं नहीं वोट देंगे कि ऐसे वोट भी देंगे और निकलेंगे भी। हाँ। निकलेंगे भी, निकलेंगी एकदम पक्का निकलेंगे। तो कैसे कह रहे हैं काम, कैसे काम बहुत बढ़िया काम करते हैं। हाँ। इनके ऐसा अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं है काम। हाँ। करने के लायक। हाँ। जी तो ऐसे इधर आ जाइए, सामने से गाड़ी आ रहा है, ठोक ओक देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो मतलब निकलेंगी? जी पक्का निकलेगी। हाँ एकदम, किस तरह भरोसा है। हम लोग वोट करेंगे एकदम पक्का, सब मिल कर एकदम। इसके और भी तो बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो अभी वर्तमान में वो भी तो हैं, तो वो नहीं काम कर रहे हैं क्या? कोई नहीं काम करने वाला है। हाँ। जो जैसा ये काम करेंगे वैसा कोई अभी तक काम करने वाला प्रत्याशी नहीं है। हाँ। जी कोई काम करने वाला, कोई काम करने वाला। क्या नाम हुआ अभी? मिथिलेश कुमार। क्या लगता है माला सिन्हा का? माला सिन्हा निकली? लगता है एकदम जीता हुए हैं हम लोग। इतना काम ही हम लोग बाढ़ में भी इतना काम किए हैं। उन्होंने इतना काम किया कि ऐसा पूरा 75 वार्ड में अपने वार्ड को आदर्श वार्ड बनाइए। पटना क्लीन वार्ड, ग्रीन वार्ड और स्मार्ट वार्ड बनाइए और वार्ड को बनाइए और पूरा पटना को बनाने की तैयारी चल रही है। हाँ, और 100% निकलेगी और जन समूह इनके सब साथ है, इनके साथ है। हम लोग इनके मुंह पे कह रहे हैं कि ऐसे भी अभी तो वो नहीं है, अभी तो वो नहीं है, पूरा पटना में कहीं भी आप किन्हीं से भी पूछिएगा। माला सिन्हा निकल रही है, सब बोलेगा निकल रही है, निकल रही है। हाँ, हम लोग डायरेक्ट सीता साहू को टक्कर देंगे। सीता साहू को? हाँ डायरेक्ट। और कोई नहीं? कोई नहीं, उसके नीचे कोई है ही नहीं। वो इतना काम ही किए हैं कि इनका हर जगह नाम है। बिना माला का भगवान का पूजा नहीं हुआ तो पटना का कैसे तरक्की होगा, इसी चलते माला सिन्हा आएगी। ओ, माला के बिना पटना का तरक्की नहीं होने वाला, भगवान का पूजा नहीं हुआ तो अच्छा। पटना का तरक्की कैसे होगा? हाँ। इसी चलते माला सिन्हा जी आ रही हैं। हाँ। जीत गई हैं, जीत गई हैं। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम विकास कुमार हुआ। क्या है माला सिन्हा, क्या निकल रही है कि ऐसे ही? ये तो हम पकड़ लेंगे। माला सिन्हा बिल्कुल निकल रहे हैं, निकल रही है जी। आप ऐसे ही भौकाल बना रहे हैं? नहीं, हम देखिए, हम वोटर नहीं, हम सपोर्टर हैं। हाँ। हम नगर परिषद में रहते हैं, हम इनका काम देखकर कर। हाँ। और इनके इस तरह माने कि समर्थक हो गए हैं। हाँ। कि हम बिना बुलाए सपोर्टर। हाँ, जी जी, हम सपोर्टर। जवाब दे दीजिए ताकि वोटरों को पता लगे। एक काम गिनवा दीजिए ना माला सिन्हा जी, खेमनीचक रोड मेरा रोड था। हाँ। जिस रास्ते से हम लोग जाते थे। हाँ। वो रोड का देन इन्हीं का है। हाँ। इन्हीं की वजह से जी जी। हाँ। और ये अपने वार्ड में इस कदर काम की है। हाँ। कि 75 वार्ड में से वार्ड 44 आदर्श वार्ड के नाम से जाना जाता है। आदर्श वार्ड के जी नाम जी है। जी तो इसीलिए माला सिन्हा पटना को भी आदर्श बनाएंगे। और देखिए, भगवान की कृपा है कि इनका चुनाव चिन्ह जो मिला है। हाँ। वो रोशनी का प्रतीक है। हाँ। टेबल लैंप छाप। हाँ। अगर घर घर में रोशनी फैलाना है तो टेबल लैंप छाप को जिताना ही जिताना है। उसके लिए बिजली भी चाहिए जी। बिजली तो हल ही है। हाँ। जनरेटर भी है, बैटरी पर भी है, लेकिन टेबल लैंप एक तरह से विकास का भी काम करता है कि टेबल लैंप से बच्चे पढ़ते हैं और शिक्षित होते हैं। इसलिए भगवान का देन है कि माला सिन्हा सबसे सबको जोड़ दिए हैं, मतलब निकल रही है माला। जी जी, क्या नाम हुआ आपका? सरोज प्रसाद गुप्ता। हाँ, माला सिन्हा को पहचानते हैं? हाँ हाँ। क्या है माला सिन्हा? हमारे वार्ड में हैं। चुनाव किस चीज का चुनाव लड़ रही है? टेबल लैंप छाप। अच्छा, जीतेंगी? हाँ जीतेंगे। ऐसे ही कह रहे हैं कि पक्का जीत? पक्का जीतेंगे। हाँ हाँ। अच्छा, जैकेट वाले भैया एगो हैं, कह रहे थे कि जाइए वार्ड में। भैया 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 भैया, आप कह रहे थे कि वार्ड में जाइए देख लीजिए,
बता तो दीजिए। बता देते हैं। हाँ बताइए। आप पानी टंकी जाके देखिए, वहाँ कचरा का अंबार था। हाँ। अब वहाँ लोग बैठ के चाय पीता है। हाँ, नाश्ता करता है। हाँ, 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 आप देख लिए खुद विकास हुआ है जी। बहुत ज्यादा विकास हुआ है। हाँ, अच्छा। आप चले जाइए मुन्ना चक बैंक साइड होते। हाँ, 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 बताइए। बैंक ऑफ बड़ौदा मुन्ना चक में, वहाँ पर रोड पर कचरा एकदम अंबार। हाँ, मतलब एकदम इतना इतना कचरा नापे थे क्या? एकदम नापे थे। अब क्या होता है उसका बाद? वहाँ देखिए एकदम क्या बोल, नर्सरी खुलवा दिए, एक भी वहाँ पोलोथीन नहीं है, एक भी नहीं। तो यहाँ का होगा? यहाँ तो पूरा कचरा, यहाँ तो पूरा शहर डूब जाएगा। यहाँ तो बहुत बढ़िया बन जाएगा। यहाँ का बनेगा? यहाँ बने कुछ भी बने, लेकिन अच्छा ही चीज बनेगा। अच्छा, अच्छा चीज बनेगा एकदम। यहाँ 50-100 आदमी आए बैठे उठे, इस तरह की यहाँ पर बनेगा। मतलब आपके वार्ड में जहाँ कचरा था वहाँ लोग अब चाय पीते हैं। जहाँ पहले मेरा मोहल्ला एक जानकी नगर है, वहाँ पर भी कचरा का अंबार था। वहाँ भी आप जाके देखिए, पूरा लाइट पूरा ग्रीन बाद एकदम हो गया मिल रहा है पूरा। भाजपा का कई देखे, कई संघ जो है, नारी संघ तो नाई संघ, ये सब पूरा संघ अच्छा आदमी है माला सिन्हा ना। हाँ, हाँ, खाली सच्चाई पर उतरे हुए हैं। रहा है लोग पैसा से खरीद रहे हैं। पैसा? हाँ। ऐसा कुछ बात नहीं है। पैसा? हाँ। क्या तो हाथ के मैल है न, पैसा से नहीं ना, सब झूठा बात है ना, ना। तब विरोधिया के थ्रू तो पक्का झूठ। देखिए बिहार है सब पैसे, बिहार तो जात पात पर बर्बाद है, मुर्गा भात पर बर्बाद है। हाँ, समझ ना, विकास में कोई वोट नहीं करता। हाँ, हाँ। और अगर विकास में कोई वोट करेगा ना, तो माला सिन्हा 50% से ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे जी। पैसा वाला बतवा झूठ। पैसा पैसा कौन पूछता है? पैसा आज दीजिएगा कल खा जी। अब 5 साल हम नरक में जो जिंदगी जी रहे हैं, वो 500 रुपया से मतलब पैसा जी, नहीं लेना जी, है जी, ना? जी, नहीं बिल्कुल नहीं, पैसा वोट देना है जी। हाँ, देना है, बिल्कुल। हाँ, बिना पैसा का वोट देना है। हाँ, 1 रुपया नहीं लेना है। 500-1000 रुपया जी नहीं, उससे हमको कोई जरूरत नहीं पैसा मुर्गा से। हम तो जनता से यही कहना चाहेंगे कि जनता लोग एक बात ध्यान से सुनिएगा, आप लोग वोट करिएगा तो जात पात पर नहीं वोट करिएगा, मुर्गा भात पर नहीं वोट करिएगा, वोट करिएगा तो विकास के बात पर वोट करिएगा जी। चलिए बिल्कुल, तो चलिए माला सिन्हा के समर्थन में आए इन लोगों से हमने पूछा कि आखिर क्यों समर्थन कर रहे हैं माला सिन्हा का। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहते हैं इंडिया टॉप।